हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो पर स्टोन फिश मछली के बारे में बात करने वाले हैं। यह मछली आमतौर पर मकर रेखा के आसपास समुद्र में पाई जाती है तथा स्टोन फिश पत्थर की तरह दिखती है, जिसके कारण मछली को लोग पहचान नहीं पाते और इसका शिकार बन जाते हैं। अगर कोई भी इस मछली पर गलती से भी अपना पैर रखता है या गलती से भी मछली पर किसी कारण पैर पड़ जाता है तो यह अपने ऊपर पड़ने वाले वजन के बराबर ही जहर छोड़ती है, जो बहुत ही हानिकारक होता है। अतः इस जहर से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। स्टोन फिश रे पंख वाली मछली की एक प्रजाति है। स्टोन फिश स्कोप्रेनिडे और बिच्छू फिश परिवार की प्रजाति से संबंधित होती है। अतः स्टोन फिश बहुत ही खतरनाक, जहरी और विशेष कर मानव जाति के लिए एक घातक होती है। तथा स्टोन फिश अब तक किसी पूरे विश्व में सबसे जहरीली मछली मानी जाती है तथा यह स्टोन फिश सबसे ज़्यादा इंडो पैसिफिक के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका सिर गुफाओं जैसा बड़ा सा होता है, यह पीछे से पतली और गुफा जैसी बड़े मुँह की होती है तथा जो पत्थर जैसी गुफा जैसी दिखाई देती है तथा जिसके कारण पत्थर और स्टोन फिश में अंतर नहीं दिखाई देता है। इसे मुख्य जाति सिनोसिनिया प्रजाति को माना जाता है, जिसमें उन्हें हर द्वीप और हर तटीय क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी हिंद महासागर में सोलोमन द्वीप तक बोना पत्थर मछली नाम से, और भारत से चीन और फिलीपींस, पाउआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया तक मुहाना पत्थर की मछली, और लाल सागर और फ्रांस की खाड़ी में लाल सागर की पत्थर की मछली के नाम से, तथा लाल सागर के इंडो पैसिफिक में रीफ स्टोन फिश के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन फिश मुख्य रूप से समुद्र महासागर में पाई जाती है, पर कुछ प्रजातियां नदी में भी रहने के लिए अनुकूल है। अधिकतर उष्णकटिबंधीय प्रशांत और भारतीय महासागरों के पास बहुत अधिक मात्रा में रहती है तथा स्टोन फिश के सुई जैसे नुकीले तेज पंखों से बहुत अधिक मात्रा में ग्रंथियों से एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन निकलता है, जो खतरा महसूस होने पर चिपक जाता है। तथा इस मछली का नाम इसके शरीर जो पत्थर के रंग के समान होने और भूरे और धब्बेदार छलावरण के कारण बड़ा, इसलिए इसे स्टोन फिश कहा जाता है। जब भी कोई तैरक यहाँ जाता है तो इस पर इसका ध्यान इन पर नहीं जाता है, जिसके कारण तैरक का इन पर कदम रख देता है और जिससे तैरक को तुरंत इनका डंक चिप जाता है। जब भी स्टोन फिश को खतरा महसूस होता है तो यह तैरक के वजन के दबाव के मात्रा के अनुपात में ही जहर की मात्रा को डंक से इंजेक्ट करती है, और स्टोन फिश की रीढ़ की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है, जो इसकी रक्षा तंत्र या कवच का काम करती है। स्टोन फिश के डंक लगने पर मृत्यु निश्चित होती है या इससे मौत भी हो सकती है, तो इससे बचने के उपाय भी हैं। ज़्यादातर समय नहीं होता है तो डंक लगने के इसे दो कारगर इलाज हो सकते हैं। गर्म, पहला, गर्म पानी को 45 डिग्री तापमान तक गर्म करके डंक वाले जगह पर, घाव वाले जगह पर लगाने से दर्द कम हो जाता है और स्टोन फिश का जहर भी कम हो जाता है, जिससे खतरा कम हो जाता है। दूसरा, स्टोन फिश एंटी वोनम लगाने से, जो ऑस्ट्रेलिया देश में ही मिलता है, इससे जान बच सकती है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपको और भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहिए पिकफैट के साथ, और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।